उनका नाम चुन लिया गया है, फाइनल सभी ने समर्थन किया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान हो गया है, भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के नाम पर लगाई मोहर। भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपे जाने का हुआ ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं भजन लाल शर्मा और उनके नाम पर यहां विधायक दल की सहमति और विधायक दल का नेता भजन लाल शर्मा को चुन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। विधायक दल की बैठक में हुआ भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान। सांगानेर विधानसभा से आते हैं भजन लाल शर्मा, चार बार बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक के रूप में उन्हें चुना गया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं और यहां भजन लाल शर्मा को ये फूलों का गुलदस्ता दिया गया उनके नाम के ऐलान के साथ ही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 48,000 वोटों के अंतर से जीतकर सांगानेर से आए थे भजन लाल शर्मा और यहां सभी उन्हें बधाई देते हुए फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी ऐलान हो गया है मुख्यमंत्री के चेहरे का, भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है। भजन लाल शर्मा के हाथों में कमान सौंपी गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया गया कि भजन लाल शर्मा आप प्रदेश की कमान संभालेंगे। यहां पर भी तमाम नाम चर्चाओं में थे, कोई कह रहा था कि महिला मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई कह रहा था कि वसुंधरा राजे को दोबारा यहां बना जा सकता है। राजस्थान बहुत बढ़िया काम करेगा, अच्छी तरह काम करेगा, सबको प्यार मिलेगा, जो चाहेंगे जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रह करके जो जनता बोलेगी वो काम करेगा। मैं बड़े समय से देख रहा था आप लगातार भगवान से जो है प्रार्थना लगाई रहती थी, देखिए भजन लाल शर्मा के जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। क्या कहेंगे आपके बेटे प्रदेश के नए मुखिया बने हैं? भैया बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं भैया, बढ़िया। लगातार आप भगवान से प्रार्थना लगाए जा चुके लंबे समय से मैं देख रहा हूं, क्या उम्मीद थी आपको कि आपके बेटे एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए खुशियों के जो आंसू हैं वो नजर आ रहे हैं, आपके बेटे मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया, जनता के बीच में देगो, जनता बीच में काम करेगा, जो जनता चाहिए वो करेगा, सबकी समस्या में रहे। देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो नजर आ रहा है, राजस्थान को थी और उसके बाद सौरभ के
पास कुछ अपडेट है सौरभ बताइए। ये जानकारी मिल रही है बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और डिप्टी सीएम का नाम नहीं बताया गया है। क्या राजस्थान में डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहा है? ये जानकारी जो है वो निकल कर आई है और कुछ नहीं है सिर्फ। तो भजन लाल शर्मा को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हो चुका है। विधायक दल के नेता के तौर पर उनके नाम को स्वीकृति मिली और ब्राह्मण चेहरे को क्या आपको पता था कि आपके बेटे एक राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेंगे? कुछ नहीं छोटे से बिल्कुल ये जो तस्वीर है हमने दिखाई सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनके माता पिता से बात की। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान उनके घर पर पहुंचा और उनके जो माता पिता थे उनसे बात की, क्योंकि मैं जब यहां पहुंचा था तो भजन लाल शर्मा के जो माता पिता थे दोनों ही वो भजन की जो एक प्रक्रिया थी वो कर रहे थे। लगातार भगवान से उनकी जो आराधना थी वो लगी हुई थी कि हमारे जो बेटे का नाम है वो भी शामिल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की जो उम्मीद थी उनकी वो नजर आ रही थी और ये उम्मीद जो है वो पूरी हुई है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब जैसे ही ये खबर मिल रही है लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार उनके घर पर है, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव जो बातचीत है उनके माता पिता से की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बेटा है और राजस्थान में हर एक वो काम करेगा जो जनता चाहती है। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बैठक की और बैठक में जैसे ही ऐलान हुआ भजन लाल शर्मा को पुष्प गुच्छ दिया गया और ये तस्वीरें बैठक की जहां विधायक दल के नेता के तौर पर भजन लाल शर्मा को चुना गया। सांगानेर से आते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को 48,000 ज्यादा वोटों से हराकर विधायक बने सांगानेर से और भजन लाल शर्मा को ये जिम्मेदारी बीजेपी ने प्रदेश के मुखिया के तौर पर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को दिखाया कि किस तरह पार्टी में विधायक दल की बैठक के बाद भजन लाल शर्मा के नाम पर स्वीकृति मिली। भजन लाल शर्मा यहां सभी से मिलते हुए उनके नाम का जैसे ही ऐलान हुआ परिवार को जैसे ही खबर लगी परिवार खुशी में झूम उठा और जैसा परिवार ने खुद बताया कि इस ऐलान से पहले वो सभी भजन कर रहे थे पूजा पाठ कर रहे थे। और अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल का जवाब भी मिल गया है भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान। जयपुर की सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं और सांगानेर से विधायक बने। 48,081 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। एक मजबूत चेहरा सामान्य वर्ग के एक मजबूत चेहरे के तौर पर ये रेस देखी जा रही थी उनके नाम को लेकर भी, लेकिन यहां एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री का ऐलान करते ही बीजेपी ने ये सबको जाहिर कर दिया है कि वो हर वर्ग में संतुलन बनाने की कोशिश के साथ चल रही है। और यहां भी उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है। बता दें आपको राजस्थान में सीएम का तो नाम का ऐलान हुआ ही, डेप्यूटी सीएम के तौर पर भी ऐलान हुआ है अनीता भदेल। जी हां, महिला उप मुख्यमंत्री दिया है बीजेपी ने। अनीता भदेल होगी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश चौधरी भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, अनीता भदेल और कैलाश चौधरी। नेता का निर्वाचन हो सके, बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी जनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर मेडंगी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन में श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट मोनू मेरे साथ आ जाओ। तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे राजस्थान और यहां पर ऐलान उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता के तौर पर भजन लाल शर्मा के नाम पर सभी की रायशुमारी ली गई, उनके नाम पर सभी एकजुट नजर आए और उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रहे हैं भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। पहले सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने आप तक खबर पहुंचाई। न्यूज 18 ने इस बार भी सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाई कि राजस्थान की कमान दी गई है भजन लाल शर्मा के हाथों में। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा, सांगानेर से विधायक चुने गए, कांग्रेस प्रत्याशी को 48,081 वोटों के अंतर से हराया, उसके बाद जीत हासिल की। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सभी उन्हें यहां फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए देखे जा सकते हैं। तो राजस्थान में भी हो गया मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान।
कब जीते, उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे, तो ये पूरे कार्य और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाती, बसरते वो दम से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप सोचिए, पहली बार जो विधायक बने उनको सीएम बनाया, ये मोदी जी का एक दूरगामी सोच है जिससे उन्होंने आज 2024 के, आपको बताना चाहूँ 2024 के 25 से 25 के द्वार पूरी तरीके से खुल चुके हैं। भजन लाल एक बहुत भजन लाल जी मुख्यमंत्री बना दिया तो एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकुमारी दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान यहां पर राजनाथ सिंह ने किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजकुमारी दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा ये उप मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है और साथ ही राजकुमारी दिया को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ये आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर यहां आप देख पा रहे हैं, राजकुमारी दिया सिंह डेप्यूटी सीएम होंगी और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। दो डिप्टी सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यहां नाच रहे गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। भजन लाल शर्मा के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 राजस्थान पर ही हमने ब्रेक किया, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर मौजूद भी थे और सबसे पहले हमने ये दावा भी किया था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा अपडेट आपको न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। और तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं और लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। जरा कैमरा इधर करिएगा, बात करेंगे। भजन लाल शर्मा के गांव से हैं ये बीजेपी नेता हैं और इनके भजन लाल जी गाँव के हैं हमारे और बहुत ही अच्छे नेता है, सबके लिए काम करेंगे, किसान मजदूर पीड़ित दलित सभी 36 कौम के लिए काम करेंगे, ये पूर्वी राजस्थान के लिए गर्व की बात है। सब कुछ है, सब कुछ मेरे क्षेत्र से है, थाने में खुशी देखिए और भजन लाल जी काम करेंगे, सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है राजस्थान को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क आप तक पहुंचाता है सही खबर और न्यूज 18 ने इस बात को ब्रेक किया कि भजन लाल शर्मा के नाम पर सहमति बनी है विधायक दल की बैठक के अंदर। दो उप मुख्यमंत्री, उसमें से एक महिला नेता को कमान सौंपी गई है, यानी कि वो पद सौंपा गया है उप मुख्यमंत्री का। राजकुमारी दिया को बनाया गया डेप्यूटी सीएम और डॉक्टर प्रेम बैरवा को यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ यहाँ पर अलग ही तस्वीरें सामने आने लग गई, सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित हैं। भजन लाल शर्मा का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भरतपुर की जय हो। तो ये तस्वीर शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनको बधाई दे रहे हैं। राजस्थान भगवामय हो गया है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस वक्त। सौरभ जी बिल्कुल देखिए, भजन लाल को चुनने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भरतपुर जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर क्षेत्र रहा है, इस लिहाज से बीजेपी ने कई सारे तीर जो है वो इस चयन के साथ साधे हैं। चूंकि एक ब्राह्मण जनरल वोटर
वोटर्स को तो बीजेपी ने साधा ही है, लेकिन भरतपुर ऐसा इलाका है जहां से पिछली बार जो है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था, और इस बार बीजेपी चाहती है कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूती जो है वो मिले। बीजेपी का कार्डर जो है वो वहां पर नहीं है, इस लिहाज से जो है वो बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड जो है वो खेला है, और इसके जरिए बीजेपी ने उन तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी संगठन के लिए अपना 100% देगा उसको जो है वो बीजेपी चुनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो बीजेपी ने बता दी है, जिस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही थी कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो संघनिष्ठ हो, कह सकते हैं कि वो संगठन को लेकर लगातार सक्रिय रहो, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने चुना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनको सब चाहते भी थे शायद, और यही वजह है कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ सब बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, ऐलान हो गया? अब ऐलान भी हो गया और चौंकाया भी बहुत है, यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, राजस्थान के पहला चुनाव लड़ा, लेकिन संगठन में पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जो भी अध्यक्ष बन रहा था उसके साथ में भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री बन रहे थे, इसका मतलब ये था कि पार्टी उनकी प्रोफाइल को लगातार बड़ा बना रही थी, और जब उनको सांगानेर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया गया तब लग गया था कि इस शख्स को पार्टी बहुत बड़ा बनाना चाहती है। और इसी कड़ी में जब नाम बड़े बड़े नेताओं के आ रहे थे तो भजनलाल शर्मा को भी लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे, और एक तरह से पूरब से सूरज उगा आज राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर की धरती से जन्म उनका वहां पर हुआ, लेकिन कर्मभूमि राजस्थान है, ये जयपुर है, और मानसरोवर में उनको चुनाव लड़ाया गया, अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया। संघनिष्ठ है, लो प्रोफाइल है, बोलते बहुत कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं, और राजस्थान की जनता को उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा। जरूरी भी है कि ऐसा सीएम मिले जो बोले कम काम ज्यादा करे। एक स्लोगन सुना रहे, सुन लेते हैं। एक श्लोक है छोटा सा, शैले शैले नमाड़ी कम ना मोती कम ना गजे गजे, साधु ना ही सर्वत्र है चंदन ना बने बने। इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ है कि चंदन की लकड़ी हर वन में नहीं मिलती, और हर गज के माथे पे मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्री बनाने के लिए होता भाई। कार्यकर्ता की असली पहचान भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी का एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी पहली बार मुख्यमंत्री बन सकता है, लड़के मुख्यमंत्री बन सकता है। जिस तरह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भजनलाल शर्मा जी को, तो आप जोश और उत्साह यहां पर देख सकते हैं, तमाम समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता झूमते हुए। का फैसला भगवान जाने या मोदी जी जाने, जो फैसला आएगा वो सरप्राइजिंग आएगा। जो सरप्राइजिंग आ गया, देवनानी जी स्पीकर बन गए, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री बन गई, प्रेम भैरव उप मुख्यमंत्री बन गए, राज को चलाएंगे शानदार। तो अब रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं एक के बाद एक। हम आपको तमाम रिएक्शंस यहां दिखा रहे हैं। देखिए, वसुंधरा राजे ने पुष्पगुच्छ यहां पर भेंट किया है भजनलाल शर्मा को, और सभी ने बधाई दी इस मौके पर जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ। तस्वीरें आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब विधायक दल के नेता के तौर पर भजनलाल शर्मा को चुना गया। वसुंधरा राजे ने भी उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके बधाई दी। इस मौके पर जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ सभी ने उनको शुभकामनाएं देना शुरू किया, बधाई देना शुरू किया। भजनलाल शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे को यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया।
और जातिगत समीकरणों को किस तरह से साधा है बीजेपी ने, आप समझिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा, इनके नाम पर मोहर लगाई। साथ में दो उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। समर्थक झूम रहे हैं, उत्साहित हैं, खुशी यहां पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से यहां पर बीजेपी ने यह बता दिया है कि वो हर वर्ग को आगे करने के लिए काम कर रही है, प्रतिबद्ध है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान, तस्वीरें जब उन्हें सब बधाई दे रहे थे उस वक्त की आप देख रहे हैं। सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर सांगानेर से विधायक बने। भरतपुर से आते हैं वैसे, और यहां उनके नाम के ऐलान के साथ ही दो उप मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा भी बीजेपी की ओर से की गई, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राजकुमारी दिया। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, बड़ी हलचल टीवी स्क्रीन पर आपके। नेटवर्क 18 ने ये खबर भी सबसे पहले, ये सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई कि भजन लाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया है। वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भजन लाल शर्मा, उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे तीन लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर जो अनुभवी है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री, तो मैं तो नहीं बना ना। तो वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा और राजकुमारी दिया उप मुख्यमंत्री। तो ये देखिए झंडा लहराते हुए समर्थक बेहद खुश। डॉक्टर साहब, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर के मुख्यमंत्री बनाया, वही मध्य प्रदेश में ओबीसी से बना दिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री मिला है भजन लाल शर्मा, पूर्वी राजस्थान से आता है, आप भी वहीं से हैं। देखो हम कोई क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहते, लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहां का रहने वाला हूं और एक अनुभवी व्यक्ति को जो तीन बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात। सर अब सुनने में आ रहा है कि संगठन में उन्होंने 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है, सर ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने पहले कह दिया था मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। आपके नाम की चर्चा बहुत ही, मेरे नाम में चर्चा ज्यादा चलती है, मेरे नाम की चर्चा ही चर्चा चलती रहती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं नहीं, दिखाव आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। किरोड़ी लाल मीना है हमारे साथ में, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को, बिल्कुल मिल गया, तो अब आप देते अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? तो मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं, मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान। जो भी फैसला पार्टी ने निर्णय लिया है, ये प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, वो पार्टी के हित में लिया होगा, और इसीलिए वसुंधरा जी ने उनका समर्थन किया है और सर्वसम्मति से चीफ मिनिस्टर का नाम पारित हुआ है, और वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना ये चीफ मिनिस्टर के परिवार में आता है, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई मैं इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे साथ रखना चाहता हूँ। थर्ड उन्होंने साथ के साथ ही उसका भी चयन कर दिया, स्पीकर का, विधानसभा अध्यक्ष का, तो ये जो बड़ी पोस्ट है इनका सबका चयन हो गया। तो मंत्रिमंडल कब बनेगा कब नहीं बनेगा इस बारे में तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। नाम सर्वसम्मति से आया और उसको पूरे सदन ने उसको पारित किया। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री वासुदेव देवनानी जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में
आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय प्रेमचंद बेरवा जी, मैं पूरे प्रदेश इकाई की ओर से इनको बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय भजनलाल जी, सस्पेंस राजस्थान का भी खत्म हो गया। भजनलाल शर्मा को बनाया गया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया गया राजकुमारी दिया और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को, और हमेशा की तरह सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई न्यूज 18 नेटवर्क ने। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।